उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग इन दिनों दुनिया से गायब हैं। दुनिया भर की मीडिया किम जोंग उन को लेकर तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग की हालत गंभीर है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन अब तानाशाह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक किम जोंग मिसाइल टेस्ट के दौरान जख्मी हो गए थे। दरअसल एक पूर्व उत्तर कोरियाई अधिकारी ने दावा किया है कि तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल टेस्ट के दौरान घायल हो गए थे और इसी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी के एक अधिकारी ली जियोंग हो ने एक दक्षिण कोरिया के समाचार पत्र में लिखा कि किम जोंग उन 14 अप्रैल तक स्वस्थ थे और उन्होंने मिसाइल टेस्ट का आदेश दिया था। इसी दौरान वो घायल हो गए और इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो ने कहा कि ऐसी खबरें आई हैं कि किम मिसाइल टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं थे, लेकिन मिसाइल टेस्ट और लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग का कोई फुटेज नहीं जारी किया गया है। इससे ऐसा लग रहा है कि मिसाइल के मलबे या आग से किम के साथ कोई दुर्घटना हुई है। हो ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि किम जोंग उन ब्रेन डेड हो गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक किम के मरने की खबर आने के बाद उत्तर कोरिया की राजधानी में लोगों ने घबराहट में आकर खरीदारी शुरू कर दी। लोगों ने चावल, शराब, सिगरेट, मछली आदि खरीदना शुरू कर दिया। यही नहीं, राजधानी में हेलीकॉप्टर बहुत नीची उड़ान भरते देखे गए हैं। जापान और हांगकांग से आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन की हालत बेहद नाजुक है। हालांकि दक्षिण कोरिया ने कहा है कि किम जोंग उन स्वस्थ हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन कोरोना वायरस से डर गए हैं और इस महामारी से बचने के लिए कहीं छिप गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।